देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड मारिया सिसोली को खत लिखकर आपत्ति जताई। उन्होंने यूरोपीय संसद को सीएए का सम्मान करने की नसीहत देते हुए लिखा, इस कानून को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने लंबी बहस के बाद पारित किया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सदस्य होने के नाते हमें एक दूसरे की संप्रभु प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, खासकर लोकतंत्र। सीए के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग करते हुए बिड़ला ने लिखा कि यह कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। एक विधायिका का दूसरी विधायिका पर फैसला सुनाना गलत है। यह ऐसी परंपरा है जिसका निहित स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हम में से कोई भी गलत उदाहरण पेश नहीं करेगा। ईयू के रुख पर उपराष्ट्रपति भी भड़क, चिंता और नाराजगी जताते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। विदेशी संस्थाओं का किसी देश के आंतरिक मामले में दखल देना चिंता की बात है। इस कानून पर देश की संसद के दोनों सदनों ने मुहर लगाई। दरअसल दो दिन पहले ही यूरोपीय संसद में यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट, नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट जिसमें जीयूई और एनजीएल शामिल है, सबने मिलकर प्रस्ताव पेश किया जिस पर बुधवार को बहस होगी और एक दिन बाद मतदान होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और साफ कर दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है जिस पर किसी दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जीन एजल बॉन से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि ऐसे समय में दोनों की मुलाकात काफी अहम है। हालांकि भारत ने कड़े शब्दों में ईयू को चेताया है। भारत ने संसद में चर्चा से पहले यूरोपियन संघ से संपर्क करने को कहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी देश को दखल देने का अधिकार नहीं देता है। एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत नागरिकता कानून और जम्मू कश्मीर पर लिए गए निर्णयों के संबंध में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।